इसमें लाहिरीम अलैक् स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम योर मैथमेटिक टीचर ऑफ़ क्लास एट फ्रॉम टेंस हाई स्कूल हसन अर इट्स अवर लेक्चर नंबर ट्वेंटी पी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिवीजन स्टार्ट की थी जिसमें हमने वन यूनिट फोर रिवीजन कर लिया है आज हम टू यूनिट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे केंगे सोलर स्टार यूनिटरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशन नंबर इंटू डेसीमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल अब कह रहे हैं जो आपको रेशन नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट इंटू डेसीमल फ्रैक्शन रेशन नंबर दिए उसमें किस में करें डेसीमल जहाँ डेसीमल आ जाए बात वहाँ पॉइंट की बात आती है पॉइंट में करें एंड और क्या करें सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो काम करने सबसे पहले तो रशि नंबर को डेसिमल में आपने करना है फिर आपने बताना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में करने का मतलब होता है हम इसे पॉइंट में करते हैं हमने इसे डिवाइड करना है हम करने जो हमें क्वेश्चन दिया गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं कि पॉइंट के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर या फाइव वैल्यूज लेते हैं तो वो नॉन स्टॉपेबल हो मतलब फुल फुल डिवाइड ना हो रहा हो आगे सौ ऑन जा रहा है देखिए पानी का फोर वैल्यू ली हुई सौ ऑन जा रहा है तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जबकि टर्मिनेटिंग क्या होता है इसका उलट इसका उलट क्या होगा कि फुल फुल डिवाइड हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है टर्मिनेटिंग अगर फुल डिवाइड ना हो रहा हो सौ ऑन जा रहा हो तो नॉन टर्मिनेटिंग फुल डिवाइड हो रहा हो तो टर्मिनेटिंग जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट फाइव बाई सेवन है मैंने कहा था आपको हमेशा याद रखें कि ऊपर वाली वैल्यू अंदर होती है नीचे वाली वैल्यू बाहर होती है अब फाइव छोटा है तो पॉइंट लगाया ज़ीरो एंटर किया हमने डिवाइड किया पॉइंट के बाद तो फोर वैल्यू लेगी लेकिन वो एंड नहीं हो रहा आगे वैल्यू चलती जाएंगी तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग जबकि सेकेंड पार्ट इसका देखें थ्री बाई फाइव थ्री अंदर लिखा फाइव बाहर पॉइंट लगाया क्योंकि थ्री छोटा है जीरो एंटर किया फाइव के अंदर सिक्स थर्टी हो तो फाइव सिक्स डायर थर्टी फुल चला गया ख़त्म हो गया ए तो क्या होगा टर्मिनेटिंग इसी तरह आप किस आपने इसके सारे पार्ट की प्रैक्टिस करनी है इसका क्वेश्चन नंबर टू कन्वर्ट द तो फॉलोइंग रेशन नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन स्टूडेंट आप क्या कह रहे हैं वही पिछले वाली क्वेश्चन की तरह कि रेशन नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में करना है एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल और सेपरेट करो रिपीटिंग को और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को अब स्टूडेंट इसे भी दो काम है क्वेश्चन नंबर्स को डेसिमल में करना है और आपने बताना है कि रिपीट कौन हो रहा है और नॉन रिपीटिंग रिपीट के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या होता है रिपीट का मतलब आना दोहराना एंड नॉन रिपीटिंग मतलब बाबर दोहराना नहीं इसमें यही होगा स्टूडेंट पीछे क्वेश्चन था हम डिवाइड करेंगे अगर आंसर नॉन स्टॉपेबल है अगर आंसर नॉन स्टॉपेबल है आगे चलता जा रहा है तो ये क्या होगा रिपीटिंग क्योंकि बार बार आ रहा है वैल्यू आपके पास बार बार आ रही है ये रिपीटिंग डेसिमल होगा लेकिन अगर आंसर फुल फुल चला गया रिपीट नहीं हो रहा तो इसे तो क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग इसी तरह आपने स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं अंदर ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखनी है बार वाली नीचे वाली वैल्यू बार रखनी है डिवाइड करने में देखिए नॉन स्टॉपेबल अब आगे वैल्यूज आती जा रही हैं तो क्या है रिपीटिंग डेसिमल जबकि फोर बाय फाइव देखिए फुल चला गया तो ये क्या है नॉन रिपीटिंग डेसिमल ओके स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू भी करेंगे क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अब स्टूडेंट आपने क्या फ़ाइंड आउट करना है आपको नंबर दिए जाएगी वैल्यू स्केर फाइंड आउट करना स्केयर की क्या डिफिनेशन थी कि जब हमें वैल्यू दी जाए उससे इट उसके से ही मल्टीप्लाई किया जाए जो हमें वैल्यू दी जाए उससे ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्केयर हमें मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल सेवन आप सेवन को सेवन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी नाइन ये क्या हो गया स्क्वायर फाइंड आउट हो गया इसी तरह स्टूडेंट्स आपको जितनी वैल्यूज दी गई आपने उसे मल्टीप्लाई अपनी वैल्यू से ही करना है तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा स्क्वायर इसका क्वेश्चन नंबर टू था राइट द सिमिटेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर सिमिटेशन पैटर्न क्या होता है कि आपको स्क्वायर में वैल्यू दी गई है जैसे सिक्स स्क्वायर सेवन स्क्वायर आप इसे ओपन करके लिखना है हैं सिमटेशन पैटर्न में लिखना है जहाँ तक वैल्यू दी अभी वैल्यू क्या है सिक्स आप वन से लेकर सिक्स तक लिखेंगे दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे वन से लेकर सिक्स तक वैल्यू लिखी दरमियान में प्लस का साइन लगाया जब आप सिक्स तक आएंगे तो इसे उल्टा स्टार्ट कर देंगे मतलब सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन इन सब को प्लस किया तो क्या थर्टी सिक्स सिमिटेशन पैटर्न क्या होता है जो आपको वैल्यू दी जाती है वन से स्टार्ट करते हैं उस वैल्यू तक लिखते हैं वैल्यू तक लिख ली तो फिर से उल्टा स्टार्ट करते हैं वन तक पीन सब को प्लस करते हैं जो आंसर आता है वो लिखते हैं फोर्टी नाइन ओके स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज टू पॉइंट वन एंड टू पॉइंट टू रिवाइज की आपने भी रिवाइज करनी है अपने रफ़ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करनी है और समझना भी है मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू